बहुजन समाज की हर खबर पाने के लिए सब्सक्राइब करें अंबेडकर पीपल्स वॉइस और बेल आइकन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। और अध्यक्ष जी, मैं आज एक मिनट एक्स्ट्रा आपसे मांगती हूँ। अध्यक्ष जी, आपका ध्यान मैं देश के एससी एसटी ओबीसी के लाखों बेरोजगार नौजवानों की ओर आकृष्ट करना चाहूंगी। अध्यक्ष जी, मैं दुख के साथ कहना चाहूंगी कि केंद्र और राज्य सरकार के अधीन लाखों सरकारी पद आरक्षण के अनुपात में विगत कई वर्षों से खाली पड़े हैं। मेरी सरकार से मांग है कि विशेष अभियान चलाकर इन पदों को जल्द से जल्द भरा जाए। पिछले दिनों हमारे देश के कई विश्वविद्यालयों में विभागानुसार पद निकाले गए हैं जिनमें आरक्षण को लागू नहीं किया गया है। अगर इन विभागों के पदों को एक साथ समूह में निकाला जाए तो आरक्षण लागू भी हो सकेगा और एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के लोगों को रोजगार भी मिल सकेगा। अध्यक्ष जी, एससी एसटी ओबीसी के जो योग्य छात्र हैं जिनकी मेरिट सामान्य वर्ग में आती है उन्हें आरक्षण की सीमाओं में बांध कर न रखा जाए। मेरी सरकार से मांग है कि उन योग्य छात्रों को सामान्य वर्ग के अवसर प्रदान किए जाए। पिछड़े वर्ग के आरक्षण में जो क्रीमी लेयर की बाध्यता है उन्हें समाप्त किया जाए। अध्यक्ष जी, एससी एसटी ओबीसी के वर्ग के लोगों को प्रत्यक्ष रूप से 49.5% आरक्षण प्राप्त है और सामान्य वर्ग के लोगों को 50.5% आरक्षण प्राप्त है। मेरी सरकार से मांग है कि 2021 में जातिगत जनगणना कराकर उनके जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण को लागू किया जाए। साथ ही मैं आपसे मांग करती हूं कि जिन विभागों को निजीकरण किया गया है वहां भी आरक्षण को लागू किया जाए। अभी हाल में उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर सरकारी वकीलों की नियुक्ति की गई है जिसमें इन वर्ग के लोगों को एक भी नियुक्ति नहीं की गई है, जो बेहद दुखद है। अध्यक्ष जी, न्यायपालिका, राज्यसभा, विधान परिषद में इन वर्ग के लोगों की आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं है। इन वर्ग के लोगों का प्रतिनिधित्व भी बहुत कम संख्या में है, जो ऊंट के मुंह में जीरे के समान है। मैं मांग करती हूं कि यहां भी आरक्षण की व्यवस्था लागू की जाए। अध्यक्ष जी, एससी एसटी ओबीसी के छात्र छात्राओं की छात्रवृत्ति और प्रतिपूर्ति जो मानक के अनुसार नहीं दिया जा रहा है उसे भी तत्काल मानक के अनुसार प्रदान किया जाए। अध्यक्ष जी, आपने बोलने का समय दिया, बहुत बहुत।